बालको महिला मंडल और बालको महिला इंटक ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेल स्पर्धाएं भी हुई, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बालको प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन बालको महिला मंडल और बालको महिला इंटक ने किया। कार्यक्रम के उद्घाटन पर बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी ने कहा कि देश की आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज महिलाओं को विकास करने के अनेक अवसर उपलब्ध है। महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक व सशक्त आत्मनिर्भर बनाना है। देश की आजादी के बाद जो महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ है, उनमें बहुत सुधार आया है। महिलाएं उच्च शिक्षित हैं, वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों से भली भांति परिचित हैं, फिर भी आज समाज की सोच बदली है। महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हैं, आर्थिक रूप से पुरुषों के बराबर हैं, फिर भी इस पुरुष प्रधान समाज में ये दिवस मनाकर हम हमेशा ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। अब महिला अबला नहीं रही, समाज में उसे बराबर का स्थान और सम्मान मिलना चाहिए। देश की आज़ादी हो या लड़ाई हो, परिवार हो या बच्चे हो, हर कदम पर महिला ने पुरुषों का साथ निभाया है। सरोजनी नायडू, सुचेता कपलानी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ऐसी अनन्य बहुत सी महिलाएं हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर नाज है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में देश का नाम ऊंचा किया और अपना लोहा मनवाया। आज कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, पीटी उषा, किरण बेदी जैसे अनगिनत नाम हैं जिनसे हमें गर्व महसूस होता है। परंतु इतना सब होते हुए भी देश में एक दूसरा रूप भी है। आज भी इतनी उन्नति होने के बाद भी देश में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक और मानसिक रूप से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना, ये निरंतर जारी है। बहनों, जब भी ये सुनते हैं और देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि इतनी उन्नति होने के बाद भी महिलाओं का कुछ हिस्से में आज भी वही रूप है। बहनों, मेरा मानना ये है कि कुछ भी हो, ये सब चीज़ें हमारे अपने परिवार से शुरू होती हैं। सबसे पहले हमने ये चीज़ें अपने परिवार से खत्म करनी है, भेदभाव मिटाना है, जहाँ हम बेटा बेटी में हमेशा भेदभाव करते आए हैं। आज महिलाओं के अधिकार को सोचें तो सबसे पहले हम इस चीज़ को मिटाएंगे, तभी ये समाज में आएगी, समाज से राष्ट्र में, और एक अच्छे राष्ट्र की उन्नति के लिए महिलाओं को समान दर्जा दिलाना, उनकी इज्जत करना, ये सबसे बड़ा एक महिला का ही कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित समारोह की शुरुआत में बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी ने दीप प्रज्वलित किया। दो दिवसीय आयोजन में निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग स्पर्धा और साहित्यिक गोष्ठियों के अलावा फुगड़ी प्रतियोगिता, एकल और सामूहिक गायन स्पर्धाएं हुई, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया।
विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी, सलाहकार श्रीमती जयश्री रामनाथन और श्रीमती अनिला मित्तल ने पुरस्कृत किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर क्षेत्र की ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में विशिष्ट पहचान बनाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी, सलाहकार श्रीमती जयश्री रामनाथन और श्रीमती अनिला मित्तल को शाल व श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ महिला इंटक की अध्यक्ष श्रीमती नीलम बाला सालोमान और बालको महिला मंडल की सचिव श्रीमती वर्षा शिवलकर ने किया।